स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में पत्रकारिता एवं जनसंचार और अभ्यक्त माध्यम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन में आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल ही आपका पेपर है 19 तारीख को, तो यहाँ पर वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो को समझिएगा और ज़रूर से ज़रूर आप इन प्रश्नों को एक बार याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? तो यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 1993 में माना जाता है, 1993 में। आगे देखते हैं, भारत में पहला छापाखाना कब खुला? छापाखाना कब खुला था? तो गोवा में खुला था और 1556 ईस्वी में खुला था। तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में खुला था। आगे देखते हैं, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ? तो इंटरनेट का दूसरा दौर 2003 से माना जाता है, जिसको 2G कहते हैं। आगे देखते हैं, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब तक चला? तो विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 1993 से लेकर 2001 तक चला हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो राजस्थान पत्रिका जो है वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। समाचार पत्र किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। प्रिंट माध्यम और मुद्रित माध्यम आपको पढ़ाया गया है, तो जो समाचार पत्र होता है, पोस्टर होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, ये सब मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रेडियो नाटक, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो बिल्कुल सही क्या होगा, श्रव्य माध्यम है। इसको केवल सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं वो सुन ही सकते हैं, तो इसलिए इसको श्रव्य माध्यम में रखते हैं। आगे देखते हैं, टेलीविजन कैसा माध्यम है? तो टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम होता है और जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम मुद्रित माध्यम माना जाता है। और मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें आते हैं। आगे देखते हैं, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो किसी भी खबर का घटनास्थल से जो सीधा प्रसारण किया जाता है उसको लाइव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का शुरू करने का जो श्रेय जाता है tahalka.com को जाता है, tahalka.com को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, टीवी की खबरों के संदर्भ में डाई एंकर क्या है या डाई एंकर किसे कहते हैं? तो डाई एंकर आपको बताया भी गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पर भी। डाई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र आते हैं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देते हैं। ठीक है, तो डाई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र आते हैं और आने तक दर्शकों के रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएँ देते हैं। आगे देखते हैं, टेलीविज़न में लाइव का क्या अर्थ होता है? तो टेलीविज़न में लाइव का अर्थ पूछा गया है, तो किसी समाचार का टेलीविज़न पर घटना से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। अगला है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो छापे खाने का आविष्कार योहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। अगला देखते हैं, सर्वाधिक खर्चीला माध्यम क्या होता है? तो सबसे अधिक खर्चीला माध्यम माना जाता है इंटरनेट को। अगला है प्रश्न, भारत की पहली साइट कौन सी थी? तो भारत की पहली साइट कौन सी थी? रेडिफ मेल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती हैं? तो प्रिंट माध्यम एक अच्छा माध्यम है लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं जिसको हम देख लेते हैं। ये केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए काम आता है, लेखन कार्य करने वाले शैक्षणिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और तुरंत घटित घटनाओं को प्रस्तुत इसमें नहीं किया जा सकता है। सस्पेंस पर ध्यान रखना पड़ता है, गलतियां सुधारनी पड़ती है। अगला है, उल्टा पिरामिड शैली के सभी तीनों हिस्सों का नाम लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली जो है पत्रकार समाचार लिखने की एक शैली है, तो उल्टा पिरामिड शैली में तीन हिस्सों में बांटा गया है। वो तीन हिस्से कौन से हैं? इंट्रो, जिसको मुखड़ा भी कहा जाता है, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन।
ठीक है, चलिए। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, बहुत ही प्रचलित शैली है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग समाचार लेखन में होता है। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी शैली का नाम क्या है? तो उल्टा पिरामिड शैली है। आगे देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अभी बताया गया, इसके पहले इंट्रो, मुखड़ा, वाणी या समापन और समापन। आगे देखते हैं किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है पूर्णकालिक पत्रकार। आगे देखते हैं किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होते हैं? तो पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी जो होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। अंशकालिक पत्रकार, तो अंशकालिक पत्रकार एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है किसी समाचार संगठन के लिए, तो उसको अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं? पत्रकार लेखन का वह प्रकार जिसमें एक प्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है वो फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। आगे देखते हैं, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो साक्षात्कार, उसका हिंदी शब्द क्या है? साक्षात्कार है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। चलिए अगला देखते हैं, फीचर से आप क्या समझते हैं या कैसे लिखा जाता है? तो फीचर की विशेषता जान लीजिए, एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होती है और इसमें लेखक अपने विचार, भावना तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता है। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उसका मनोरंजन करना होता है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कथात्मक शैली का विश्लेषण कीजिए। कथात्मक शैली क्या होती है? तो कथात्मक शैली एक लेखन शैली ही है जिसमें एक कहानी को रचना किया जाता है। यह शैली व्यक्ति की भावना, अनुभव और जीवन की घटनाओं को साझा करने का एक माध्यम होता है या माध्यम प्रदान करती है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं को समाहित किया जाता है और पाठकों को व्यक्ति या स्थान के अनुभव के माध्यम से सीधे संपर्क में लाया जाता है। और कथात्मक शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो कथात्मक शैली की मुख्य विशेषता यह है कि कथात्मक शैली में कहानी का विकास महत्वपूर्ण होता है या धीरे धीरे पाठकों को उसमें रुचि लाने के लिए प्रेरित करता है। और कथात्मक शैली में पात्रों का विकास महत्वपूर्ण होता है। पात्र अपने अनुभव, भावनाओं और विचारों के माध्यम से जीवंत होते हैं जिससे पाठकों को उसमें जुड़ाव महसूस होता है। आगे देखते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो साक्षात्कार वह तरीका है जिसमें कोई पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से उसकी राय और भावना जानने के लिए सवाल पूछता है। किसी भी साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को गहरा ज्ञान, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए जिसका वह साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार के साथ साथ पूरी रिकॉर्डिंग और नोटिस भी लेता है। साक्षात्कार की भाषा सरल और सहज रखनी पड़ती है। आगे देखते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो समाचार का मुख्य कार्य पाठकों को सूचना देना होता है। समाचार को हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है ताकि यह पढ़ने वाले को घटना का पूरा विवरण आसानी से प्रस्तुत कर सके। समाचार लिखते समय भाषा को सरल और सहज रखा जाता है ताकि पाठकों को
सब आसानी से समझ में आ जाए। समाचार लिखते समय पत्रकार अपने विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर सकता। समाचार पूर्णता तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आगे देखते हैं बीट क्या है या बीट की परिभाषा दीजिए। मीडिया में बीट किसे कहते हैं? तो जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला है क्या स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है? हाँ, स्वास्थ्य जो है विशेष लेखन का क्षेत्र कहलाएगा। आगे देखते हैं कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो कविता के महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं और उसके बिना कविता संभव नहीं होती है। वो घटक कौन कौन से हैं? भाषा होती है, शैली होता है, बिंब होता है। भाषा के माध्यम से कविता में संवेदना और भावनाएं अभिव्यक्त की जाती हैं। शैली के द्वारा कविता को संवेदना के रूप में व्यक्त अभिव्यक्त करते हैं। और बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द चित्र, जिसमें कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं अगला है नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है? तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम संवाद होता है। आगे देखते हैं नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है शब्द होता है। नाटक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है नाटक। नाटक किस प्रकार की विधा है? तो नाटक वर्णित या नैरेटिव विधा है। आगे देखते हैं रंगमंच किस विधा में होता है? तो नाटक में होता है। कहानी का केंद्रबिंदु मुख्य केंद्रबिंदु क्या कहलाता है? तो कहानी का केंद्रबिंदु कथानक कहलाता है। कथा वस्तु किसे कहते हैं? और रंगमंच किस विधा में होता है? तो रंगमंच नाटक में होता है। रंगमंच जो होता है नाटक में होता है। आगे देखते हैं कहानी का केंद्रबिंदु कथानक होता है, सभी लोगों को पता है। आगे देखते हैं कथा वस्तु किसे कहते हैं या कथानक किसे कहते हैं? तो कथा वस्तु कहानी का पहला तत्व होता है और कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक या कथा वस्तु कहते हैं। यह कहानी का मूल आधार होता है। पूरी कहानी में घटित होने वाली घटनाएं ही उसका कथानक होती हैं। इसे आरंभ, मध्य और अंत तीनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है? तो कहानी के नाट्य रूपांतरण में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इस प्रकार है। सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभाव को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों द्वारा मानसिक द्वंद्व के नाटकीय प्रस्तुति में की जाती है। दूसरा क्या है? पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। तीसरी समस्या है सामानों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आएगी। चौथा है संगीत ध्वनि प्रकाश व्यवस्था में समस्या आएगी। और अगला है कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। आगे देखते हैं नाटक और कहानी में क्या असमानताएँ हैं। तो नाटक और कहानी में अंतर पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, कहानी और नाटक दोनों गद्य की विधाएं हैं, इसमें कुछ अंतर इस प्रकार से हैं। कहानी क्या है? कहानी ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी भी अंग विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कहीं भी लिखी और पढ़ी जा सकती है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत तीन आधार पर बांटा जा सकता है। कहानी में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता है। नाटक में क्या है? नाटक एक गद्य विधा है जिसमें मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से होता है। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्य में विभाजित किया जाता है। मंच सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। आगे देखते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो निम्न बातें क्या हैं? जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। विचार विषय में सुसंबद्ध तथा संगत होना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों में के लेखन में
मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेख को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर समझ में आ गया होगा और एक बार जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।